लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर की राजनीति इन दिनों गर्माई हुई है। महापौर मालिनी गौड़ ने राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। महापौर का कहना है कि निगम के अधिकारी कांग्रेस सरकार के दबाव में है। महापौर ने कहा कि निगम ने नोटिस की जानकारी उन्हें भी नहीं दी और नोटिस थमाकर बढ़ा चढ़ाकर जुर्माना लगा दिया। महापौर ने कमलनाथ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। महापौर मालिनी गौड़ का कहना है कि मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थकों ने भी पोस्टर लगाए थे, लेकिन उन पर पेनल्टी नहीं लगाई। गौरतलब है कि नगर निगम ने भाजपा को 13,86,300 रुपए का नोटिस थमाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। पेपर के माध्यम से पढ़ा है और इस विषय पर जो भी फैसिलिटी हुई है, जिस प्रकार से एक मंत्री जी ने पोस्टर लगाए थे और उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई जुर्माना नहीं लगाया गया, और भारतीय जनता पार्टी ने जो रैली थी उसमें जिस प्रकार से उन्होंने जुर्माना लगाया, उसकी भी एक हद होती है जुर्माने की भी। लेकिन लगातार कमलनाथ जी की सरकार फैसिलिटी कर रही है, लगातार दुर्भाव से वे सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये नोटिस जो दिया गया सफाई को लेकर नहीं है, पूरी तरीके से बैनर और पोस्टर से संबंधित नोटिस है। आपको पता होगा कि पिछले 10-15 दिनों पहले चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और पीएस महोदय के द्वारा एक इंस्ट्रक्शंस इशू हुए थे और कैबिनेट में भी प्रस्ताव को रखा गया था, जिसमें पूरी तरीके से बैनर्स और पोस्टर्स को मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित किया गया था। इवन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक स्टेटमेंट आया था और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर उनका भी कार्यक्रम होता है तब भी रास्ते में सार्वजनिक स्थानों पर बैनर पोस्टर न लगाए जाएं। लेकिन कल जो एक कार्यक्रम था उसमें अलग अलग जगहों पर इस संबंध में इसको वायलेट किया गया, और अगर लॉन्ग टर्म में हम लोगों को इस चीज़ से बचना है, अगर इस चीज़ पे प्रतिबंध लगाना है, तो निश्चित रूप से कोई कड़े कदम हम लोगों को उठाने पड़ते हैं। इसीलिए जो आउटडोर मीडिया रूल्स हैं उनके जो प्रावधान हैं, जिसमें 10 रुपये प्रति स्क्वायर फिट के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाती है अगर कोई अवैधानिक रूप से इस प्रकार का विज्ञापन करता है, तो हमने उसके तहत लगभग 13,00,000 रुपये का बिल जो है वो भेजा है। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।